आज आप देख रहे हैं हमारे साथ पथरदेवा विधानसभा में एक ऐसा भी व्यक्ति है, एक ऐसा भी जनता का ग्रुप लेकर के आया है जो ट्रैक्टर से प्रचार कर रहा है। क्या कहें, कहां से आना हुआ आपका? हम तरकुलवा थाना से आए हैं, ग्राम जमुनी से, और इसलिए हम आए हैं जो 700 किसानों की हत्या हुई है और हम किसानों के हित वाली पार्टी को जिताकर, समाजवादी पार्टी को जिताकर इसका बदला लेंगे। नहीं, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों, मजदूरों, सबको बात उठाती रही है, लेकिन भाजपा ने कृषि बिल के विरोध को देखते हुए वापस भी तो ले लिया। नहीं तो वो काफ़ी नुकसान हुआ और उससे हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। उसमें काफ़ी रीज़न है, जो महंगाई, अभी महंगाई चरम सीमा पे है और वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और ये लोग झांसा दे दे करके और कहीं ना कहीं लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो इस बार आपके अनुसार इस बार जनता उनके किसी भी गुमराह में या झांसे में नहीं आने वाली है और इस बार समाजवादी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी इस बार समाजवादी। किसानों के हित में कुछ कहना चाहेंगे? किसानों के हित में यही कहना चाहेंगे कि जब समाजवादी की सरकार आएगी तो हमें पूरा विश्वास है, वो शुरू से जवानों और किसानों के बीच वो रहे हैं और उनका भला होगा जब समाजवादी की सरकार आ जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है, उन्होंने एक वादा किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगा, किसानों का बहुत सारा कर्ज उसको हाफ कर दिया जाएगा, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये लॉलीपॉप है? नहीं, उन पे पूरा विश्वास है, जनता का पूरा विश्वास है और उन्होंने जो वादा आज तक किया है वो पूरा किया है। अखिलेश यादव वर्मा शंकर जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव वर्मा शंकर जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये तो आने वाला वक्त 3 तारीख तय करेगा कि जनता किसके पक्ष में कितना मतदान कर रही है और इसका परिणाम 10 मार्च को दिखेगा। फिलहाल अखिलेश यादव पे जनता भरोसा करके उनको वोटिंग कर रही है। युवा चेहरे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सारे लोग हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।